अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर डिज़ाइन टीचर एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एज आई असाइन दिस टॉपिक्स अर्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज व्हाट इज कंप्यूटर. A computer is an electronic machine which processes raw data. It means raw data means input into meaningful information that becomes our output and also stores the output for later use. Okay? So, मतलब क्या है कि कंप्यूटर आपके पास एक ऐसी मशीन है जो कि क्या करती है, एक रॉ डाटा लेती है. रॉ डाटा इन द सेंस कि जिससे आपको किसी टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, ठीक है. और लेकिन फिर जब आप उसके ऊपर क्या करते हो, कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करते हो, तो उसके बाद आपके पास क्या होता है, वो एक रिजल्ट्स जनरेट कर देती है और एक प्रॉपर फॉर्म में आपके पास आ जाती है, जिसको आप क्या कहते हो, आउटपुट कहते हो. और फिर वो आप उसको स्टोर भी कर लेते हो अगर आपने उसे बाद में यूज़ करना है. अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि जैसे अगर मैं आपको नंबर्स दे दूं, मैं कहती हूँ जी 2, 3, 4, 5, ये नंबर्स हैं, आपको इससे किसी टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे इसके ऊपर. अगर फिर मैं अगर आपको बताऊंगी जी इसको ऐड करो या इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो फिर आप क्या करोगे, इसे इसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करोगे, ठीक है, या एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का या फिर सब्ट्रैक्शन का. उसके बाद फिर आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर आप मुझे ये बता सकोगे जी ये हमारे पास रिजल्ट आए हैं. अच्छा, देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था कि बेसिक सिनेरियो क्या होता है कंप्यूटर का. कंप्यूटर का बेसिक सिनेरियो भी यही होता है कि वो क्या करता है, इनपुट लेता है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेसिंग कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो सिस्टम यूनिट है वो इसे प्रोसेस कर रहा होता है. उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो हमारा सारा डेटा होता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है, फिर वो आउटपुट बन जाता है और हमें आउटपुट ओके देन उस वो प्रोसेस जो हमारे पास डेटा होता है उसको वो हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में आ जाता है, और आउटपुट जो होती है वो उससे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, ठीक है. और आउटपुट हमें कैसे शो होती है, आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू शो होती है. अच्छा, देन हमने सेकंड जो हमारे डे का टास्क था उसमें हमने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस, हमने कहा था कि क्या होती हैं, ठीक है. इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, ठीक है. तो अब वो वाली डिवाइसेस जिनके थ्रू हमने कंप्यूटर को डाटा देना है, ठीक है, अब हमें कोई ना कोई वे भी तो चाहिए अगर हमने कंप्यूटर को डाटा देना है, अपनी बात बतानी है, अपनी बात समझानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं. तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं उनके नेम्स क्या हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा. अब कीबोर्ड किसके लिए होता है, टाइपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. माउस से हम मुख्तलिफ जो आइकन्स होते हैं उनको क्लिक करते हैं, ये भी हमारे पास एक इनपुट की फॉर्म में ही आता है. देन हमारे पास माइक्रोफोन है जो कि वॉइस डाटा के लिए यूज़ होता है. फिर हमारे पास स्कैनर है, स्कैनर हम किस लिए, स्कैनिंग के लिए यूज़ करते हैं. और डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा हम किस लिए यूज़ करते हैं, आपको पता है पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, तो ये हमें पिक्चर की फॉर्म में इनपुट दे रहा होता है, आपको दिखा भी देता है कि आप पिक्चर क्लिक करते हो तो आपको नज़र आ जाती है. फिर हमारे पास आती हैं आउटपुट डिवाइसेस. अब आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं कि वंस द डाटा इज प्रोसेस्ड इट कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, डिफरेंट वेज में हमें नज़र आते हैं. तो सो द डिवाइसेस विच शो या जनरेट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर मोनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो अब इस बार का लेक्चर है उसमें हमने देखा है कि उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन दिया है. तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है. देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. तो बेसिक कंपोनेंट दो होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है. अच्छा, अब इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को.
So what is computer hardware? Computer hardware refers to all physical parts of a computer that we can see and touch. ठीक है? This include the input and output devices as well as the system unit. अब कौन सी वो सारी devices जिनको आप देख सकते हो, आप touch कर सकते हो, ठीक है? तो वो आपके पास किस में आती हैं? Computer hardware में आती हैं. और इसकी एग्जाम्पल, इसमें आपके पास इनपुट हमने पीछे देखी है, इनपुट डिवाइसेस देखी हैं, आउटपुट डिवाइसेस देखी हैं, वो सब की सब इसमें आप ऐड कर सकते हो, उसमें इसमें ही कंसिडर होती हैं. ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, ये आपके पास सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं. हार्डवेयर के बगैर और सॉफ्टवेयर के बगैर, दोनों के बगैर कंप्यूटर जो है वो यूजलेस है. अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सिर्फ सॉफ्टवेयर का हम क्या करेंगे, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम हार्डवेयर का क्या करेंगे. ठीक है, ओके, अब हम आगे देखते हैं कि ओके, देन नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म अ टास्क विद हार्डवेयर अलोन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. ठीक है, इट नीड्स अ सॉफ्टवेयर टू. सो सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. यानी कि ये अब हार्डवेयर है हमारे पास, कंप्यूटर है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर जो है उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसने कौन सा काम कैसे करना है. सॉफ्टवेयर बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कि आप कंप्यूटर को दे रहे होते हो और उसे बता रहे होते हो कि जी ये वाला काम इस तरह से करना है. अब इसमें आपके पास विंडोज़ आ जाती हैं, विंडोज़ के बगैर आपको पता है आपका सिस्टम नहीं चल सकता. फिर आपके पास एमएस वर्ड आता है जिसपे आप लिखते हो, टाइपिंग करते हो. ठीक है, एमएस पेंट है जिसपे आप पेंट करते हो. ये सारी सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, अब उनको आपने एक्सप्लोर करना है. ओके, थैंक यू, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स.